हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर ऑफ प्रोटीएक्ट 1882 के चैप्टर 6 को हम पढ़ रहे थे, और जहां पर सेक्शन 127 और 128 हमने छोड़ दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आज उन्हीं सेक्शन के बारे में इस क्लास में स्टडी करेंगे। बैकग्राउंड में म्यूजिक अगर आ रहा है तो उसको जरा इग्नोर कर दीजिएगा, क्रैकर साउंड है बिकॉज ऑफ दिवाली, तो उसको जो है इग्नोर कर दीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर 6, जिसको नाम दिया गया है गिफ्ट, और उसमें दो सेक्शन है, 127 और 128। पहला है सेक्शन 127, उसको कह रहे हैं ऑनरस गिफ्ट, और 128 जिसको बोला है यूनिवर्सल डोनी। यानी 127 बात करेगा ऑनरस गिफ्ट के बारे में और सेक्शन 128 बात करेगा यूनिवर्सल डोनी के बारे में। दोनों सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को इस क्लास में पढ़ा रहे हैं। बाकी सारे सेक्शन हम पहले वाली क्लास में गिफ्ट की पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि दोनों सेक्शन इम्पोर्टेंट भी हैं। कैसे इम्पोर्टेंट है? आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले देखिए 127 ऑनरस गिफ्ट के क्या मतलब है। इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है दुर्भर और गिफ्ट, मतलब दान, दुर्भर दान। और अगर ऑनरस का मतलब समझाएं तो उसका मतलब होता है कि वो डिफिकल्ट है और उसमें एफर्ट की जरूरत है उसको हैंडल करने के लिए। तो अब ये ऑनरस गिफ्ट, दुर्भर ज्ञान, एफर्ट को की जरूरत है इसको हैंडल करने के लिए, इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से समझिए। ये एक व्यक्ति है ए, जिसका एक मुंह बोला भाई हुआ बी, जो कि काफी अमीर है। ठीक है, ए एक व्यक्ति, बी इसका मुंह बोला भाई जो कि काफी अमीर है, और इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ए ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, ये इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो ये कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं अपनी तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये गिफ्ट कर देता है। अब वो बोल रहा है कैसे गिफ्ट कर रहा है, वो सारी की सारी एक ट्रांजेक्शन बनाता है, एक सिंगल ट्रांसफर बनाता है और इसको दे देता है, ए को दे देता है। अब देखिए ये कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है, जैसे ये तीन प्रॉपर्टी है, तीन में से ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसपे कुछ ऑब्लिगेशन है। अब ऑब्लिगेशन का मतलब इसको कुछ देनदारी है इसके, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देनदारी का मतलब एग्जाम्पल से समझ लो, किसकी बहन है सी, और उसके मेंटेनेंस का जाता है वो ये इस प्रॉपर्टी से जाता है, यानी ऑब्लिगेशन इसके प्रति है, सी के प्रति। तो अब ये प्रॉपर्टी सारी की सारी इसको ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉपर्टी से ही उसका मेंटेनेंस हो रहा है। तो यानी कि वो मेंटेनेंस किसको करना पड़ेगा? ए को करना पड़ेगा। अब ए बोलेगा जी देखो रुको वेट करो, दो प्रॉपर्टी मुझे दे दो, अपने पास रख लो, क्योंकि मैं मेंटेनेंस नहीं कर सकता, मैं ऑब्लिगेशन नहीं ले सकता, ऑब्लिगेशन के लिए मना कर रहा है। तो बी बोलेगा अब ऐसा नहीं होगा, और सेक्शन 127 भी यही कह देगा कि जी ऐसा नहीं होगा, सारी प्रॉपर्टी वो आपको दे रहा है, अब उसमें से एक अगर ऑब्लिगेशन वाली है तो ऑब्लिगेशन के साथ ही आएगी, या तो सब एक्सेप्ट करो या कोई भी एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, एक बार समझे। अब वो बोलता है कि ठीक है अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं दो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये वाली अभी ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो वो क्या करता है, ये दोनों जो है इसको ट्रांसफर कर देता है, बाद में कभी ये वाली ऑब्लिगेशन वाली से ट्रांसफर करना चाहता है, इसमें क्या है, इस पे ऑब्लिगेशन है लगा हुआ है इसके प्रति। अब ये कहे ये दोनों तो उसने एक्सेप्ट कर ली थी, अब ये वाली नहीं कर रहा है तो ना करे, दोनों पहले वाली जो उसकी है उसकी हो गई, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन दोनों अलग अलग, ट्रांसफर दोनों अलग अलग है। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया, जब ट्रांसफर एक ही बार कर रहा था तो ऑब्लिगेशन वाली प्रॉपर्टी भी साथ में जा रही थी, तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे तो फिर ट्रांसफर नहीं होगा, गिफ्ट नहीं मिलेगा। और जब हमने कहा अलग अलग टाइम पे हो रही है, ऑब्लिगेशन वाली अलग कर रहा है बाकी अलग कर रहा है, तो जो पहले वाली मतलब जो बिना ऑब्लिगेशन की थी वो एक्सेप्ट करके बैठा है, और वो ऑब्लिगेशन वाली नहीं करना चाह रहा है तो मत करे, वो ऑब्लिगेशन वाली नहीं करेगा, गिफ्ट नहीं लेगा उसका। तो ये हो गया ऑनरस गिफ्ट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर दुर्भर ज्ञान का मतलब जो प्रॉपर्टी के साथ ऑब्लिगेशन आ रहा है ना उसको बोले ऑनरस गिफ्ट। ठीक है, समझ गए ना, दुर्भर मतलब इसको जो मैनेज करना पड़ेगा, जिसको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसको बोला दुर्भर क्या दान। अब इसको बेयर की लैंग्वेज से समझ लेते हैं। इसमें तीन पैरा है। पैरा वन कहता है कि अगर एक सिंगल ट्रांसफर होता है एक पर्सन को, एक ही पर्सन को, एक व्यक्ति को ना, एक है ए था, सिंगल ट्रांसफर हो रहा था, एक ही बार सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा था, ऑफ सेवरल थिंग्स अलग अलग प्रॉपर्टीज का, वन इज बर्डन्ड बाय ऑब्लिगेशन, जिनमें से एक ऑब्लिगेशन के से बर्डन थी, अब कैन टेक नथिंग अनलेस एक्सेप्ट फुली, अगर वो सारी प्रॉपर्टी को साथ नहीं लेता तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये है पैरा वन, और यही है ऑनरस गिफ्ट का कॉन्सेप्ट। पैरा टू कहता है टू और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर, दो ट्रांसफर होते हैं, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं। इससे मैंने कहा था ना, पहले क्या करता है वो जो बिना ऑब्लिगेशन वाली प्रॉपर्टी है पहले वो ट्रांसफर कर दे रहा है, और फिर बाद में ऑब्लिगेशन वाली करता है, यानी कि दोनों ट्रांसफर का
आपस में कुछ लेने देने नहीं है, सेपरेट है, अलग अलग हुए हैं और एक दूसरे पे प्रॉपर्टी का एक दूसरे से कुछ लेने देने नहीं है, इंडिपेंडेंट है, एक ही व्यक्ति को करता है तो वो क्या करेगा, अलग अलग तीन चीजों का है तो वो, और उनमें से एक बर्डन है ऑब्लिगेशन से, तो वो जो अलग अलग टाइम पे हुई है प्रॉपर्टी ट्रांसफर, तो जो पहले बिना ऑब्लिगेशन की है वो उसे एक्सेप्ट करके और ऑब्लिगेशन वाली को मना करके भी क्या कर सकता है, ये गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। पैरा थ्री कहता है ऑनरेस गिफ्ट टू डिस्क्वालिफाइड पर्सन, अगर ऑनरेस गिफ्ट एक ऐसे व्यक्ति को बने, ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो कि क्या है, डिस्क्वालिफाइड है, तो क्या होगा, डिस्क्वालिफाइड का मतलब इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमें पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब वो माइनर होता है, अनसाउंड माइंड होता है, या फिर उसको किसी और वजह से डिक्लेयर किया जाता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है वो, तो इस केस में वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा और व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो पैरा थ्री कहता है कि अगर एक व्यक्ति जो डिस्क्वालिफाइड हुआ है लोग के द्वारा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, हम बोले वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हमको पता है वो डोनी हो सकता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डोनर है उसमें कौन सी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, लेकिन डोनी में कॉम्पिटेंसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो डोनी तो वो हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर इस चीज की कंडीशन को समझिए, अगर एक प्रॉपर्टी एक व्यक्ति को जो कि इनकॉम्पिटेंट है ट्रांसफर कर दी जाती है और वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसपे कुछ ऑब्लिगेशन है, तो वो व्यक्ति उसके लिए लायबल नहीं है। समझिए एग्जांपल से, ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ए हुआ डोनर, बी हुआ डोनी, इसके अंदर सारी कैपेसिटी टू प्रॉपर्टी जो है, सॉरी कैपेसिटी टू पार्टी वाली बात एप्लीकेबल है, इस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये व्यक्ति है माइनर, ठीक है। अब इसने प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करी, उसमें ऑब्लिगेशन था, प्रॉपर्टी पे ऑब्लिगेशन था, अब प्रॉपर्टीज ने रख ली, गिफ्ट उसको मिला है, अब ये जो ऑब्लिगेशन के साथ आई है ये इसके लिए लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है, क्यों वो इनकॉम्पिटेंट माना जाता है, क्यों एक व्यक्ति को माइनर को इनकॉम्पिटेंट माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बताइए। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि माना गया कि कानून की नजरों में ऐसे व्यक्ति को अपनी भला और बुरा समझने की परख नहीं होती, अपना अच्छा बुरा देखने की उसको समझ नहीं होती, इसलिए उसको कहा गया कि वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरीके से अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसको अपनी सेंसेस में ही नहीं है, उसको कैसे पता होगा उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, तो वो भी क्या होगा, इनकॉम्पिटेंट माना गया। ये वाली बात यहां पर आ रही है कि अब जब माइनर को दिया गया, उसको नहीं पता भाई ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, मुझे भार मिला है कैसे मैनेज करूंगा मैं, कैसे देनदारी होगी मेरी, कैसे लायबिलिटी बनती है मेरी, और क्यों मेरे को जबरदस्ती ये भार दिया जा रहा है। हाँ, ये चीज अगर एक व्यक्ति सेंसेस में होने के बाद एक्सेप्ट करता है, ठीक है मैं लायबल हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं उठा लूंगा, तो बात अलग है, लेकिन जब वो माइनर को उसकी मतलब मायने ही नहीं पता चीज को, चीजों की जो उसके साथ हो रहा है वो उसे एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो वो पर्सनली लायबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसी पैरे में ये कही गई है कि जब उसने अपनी मेजर एज को जो है अचीव कर लिया, या मैं कहूं उसकी इनकॉम्पिटेंसी दूर हो गई, वो कॉम्पिटेंट हो गया, तो उस केस में जानते हुए कि इस प्रॉपर्टी पे ऑब्लिगेशन है वो उसे रखता है तो वो लायबल है, लेकिन अगर वो नहीं रखता तो फिर वो क्या करेगा, रिटर्न कर रहा है कि मैं तो नहीं मान रहा हूं, मेरे को तो गिफ्ट नहीं चाहिए, तो फिर वो चीज होगी। जो आपके बेरक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये वाली बात नहीं लिखी कि मैं इसे अपनी तरह वापस लीजिए, ये लिखा हुआ है कि अगर अपनी कॉम्पिटेंसी दूर होने के बाद पर्सन उस ओनरस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है तो क्या करेगा, तो वो लायबल होगा। ऑब्वियसली बात है, नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लायबल नहीं होगा अगर वापस कर देता है तो, ठीक है समझ रहे। और मेजर माइनर था, इसने रख ली, इसको नहीं पता था तो ये लायबल नहीं। अब ये मेजर हुआ, अब इसको समझ में आया कि ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, तो ये कहता है कि देखो भाई मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये देनदारी है, मैं लायबल नहीं, मैं गिफ्ट नहीं लेना चाहता, अपना गिफ्ट अपने पास रखो, तो फिर क्या होगा, ये जो है इसके पास चला जाएगा। लेकिन अगर ये अपने पास रख लेता है जानने के बावजूद भी, तो फिर भाई ऑब्लिगेशन है तो वो देना ही पड़ेगा, ये वाली बात कहता है सेक्शन। इस तरीके से ही हम बात करें इनकॉम्पिटेंसी की इन कंटेक्स्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर व्यक्ति जा मतलब नहीं उसको पता कि इससे सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ऑब्लिगेशन के साथ कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, फिर जब साउंड माइंड होता है मीन्स अपनी चांसेस में वापस आता है, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑब्लिगेशन देना पड़ेगा, और नहीं करता एक्सेप्ट तो फिर ऑब्लिगेशन वाली प्रॉपर्टी वापस। तो ऑनरेस गिफ्ट का मतलब जनरली क्या हुआ, जिसके साथ ऑब्लिगेशन जुड़ के आया, जिसके साथ कुछ भार जुड़ के आया, दुर्भर दान। फिर सेक्शन 128 पे चलिए, कहता है यूनिवर्सल डोनी, यानी यूनिवर्सल मतलब सार्वभौम डोनी, डोनी का मतलब यहां पर हमें अच्छे से पता है अदाता, यानी जिसने जो है जिसको कि दान दिया जा रहा है, सो गिफ्ट दिया जा रहा है।
पहला जो बात हमें इसे ध्यान रखनी है ये इस सेक्शन के साथ चलेगा 128-127 के साथ चलेगा। बेरेक में स्टार्टिंग से ही कहा गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127 के प्रोविजन के सब्जेक्ट में है ये सेक्शन। क्या कहते हैं कि गिफ्ट अगर एक व्यक्ति को डोनर की सारी प्रॉपर्टी की जाती है तो वो उसके सारे डेट्स के लिए लायबिलिटीज के लिए लायबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी जो डोनर की थी, जो दान दे रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है, उसको जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी अगर सारी की सारी एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है। अब मैंने कहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127 की, अगर वो मना करे कि मेरे को नहीं लेनी है, सिंगल ट्रांसफर है या सेपरेट ट्रांसफर है, वो वाली बात यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो वो एक व्यक्ति को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहा है, तो जब ट्रांसफर कर रहा है वो डोनी को, तो उस वक्त उस प्रॉपर्टी में जो जो डेट्स लायबिलिटीज जाएंगी उसके साथ ही उसके साथ चली जाएंगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 128 में एक छोटी सी, और वो ये कि अगर वो सारी प्रॉपर्टीज इनमें से कुछ प्रॉपर्टी अगर अपने लिए रख लेता है या फिर एक मेजर पोर्शन उसने जो है ट्रांसफर कर दिया, माइनर पोर्शन अपने पास रख लिया, तो जितनी प्रॉपर्टी उसके पास गई है डोनी के पास ट्रांसफर हुई है उतनी प्रॉपर्टी तक वो डेट्स के लिए लायबिलिटीज के लिए लायबल होगा। इसके लिए एक केस भी था बापूराव वर्सेस बुलाकी दास, बहुत फेमस केस है। वहां पे नागपुर हाई कोर्ट ने ये हेड किया कि जब एक यूनिवर्सल डोनी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो वो डेट्स और लायबिलिटीज के साथ में आती है, यानी जो भी उस पर देनदारी बनेगी प्रॉपर्टीज पे वो उसको देनी ही पड़ेगी। लेकिन उसमें दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन तो ये होगी कि जितनी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर की जा रही है वो उतनी प्रॉपर्टी तक लायबल होगा। दूसरी, जब जिस टाइम पर उसको ट्रांसफर की गई उस टाइम पर जो लायबिलिटीज होंगी वो उसके लिए ही जिम्मेदार होगा। बाद में अगर कोई जो डोनर है किसी और को भी उसके ऊपर एप्लीकेशन बना देता है उसका, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। और अगर वो कुछ पार्ट डोनर कुछ पार्ट अपनी मेंटेनेंस के लिए रख लेता है उस प्रॉपर्टी में से, बाकी सारी डोनी को दे देता है, तो भी वो यूनिवर्सल डोनी कहलाया जाएगा। सेक्शन 128 ये कहता है। आई होप आपको दोनों सेक्शन जो है क्लियर होंगे। बेर एक्ट में आ जाते हैं यूनिवर्सल डोनी कहाँ डिफाइन किया हुआ है, ऑनरस गिफ्ट कहाँ बताया गया 127-128 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑनरस गिफ्ट को एक लेमैन की लैंग्वेज में और एक बहुत साधारण शब्दों में समझिए कि ऐसा गिफ्ट जो कि भारपूर्ण होता है या बोले जो कि ऑब्लिगेशन के साथ आता है। ओ फॉर ऑनरस, ओ फॉर ऑब्लिगेशन। और सिंगल ट्रांसफर होगा तो फिर भाई सारी की सारी प्रॉपर्टी साथ करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अलग अलग है तो फिर अपने ऑप्शन आ जाता है, जिसमें ऑब्लिगेशन उसको छोड़ सकते हैं, जिसपे ऑब्लिगेशन नहीं है उसे ले सकते हैं। और डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ में कैसा कॉन्सेप्ट है वो भी हमने पढ़ लिया, और यूनिवर्सल डोनी क्या है वो भी हमने पढ़ लिया। तो यूनिवर्सल डोनी फिर से बता दे रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारी प्रॉपर्टी डोनर की जा रही है उसको यूनिवर्सल डोनी कहेंगे, और जब उसको सारी प्रॉपर्टी चली गई तो डेट्स एंड लायबिलिटीज भी उसी के हो जाएंगे, किसके डोनी के होंगे। आपने समझ में आया हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स फॉर कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।